मोए आस लगी गुरुवर प्यारे ततरई में फिर से आ जाना दर्शन को अखियां प्यासी हैं आकर के दर्श दिखा जाना और गुरुजी देखा था तुम निज हाथों से ये बाजा मधुर बजाते थे देखा था तुम निज हाथों से ये बाजा मधुर बजाते थे रस भरे गीत और लीलाएं कैसेट में फिर दर्शा जाना भारत के कोने कोने धूम मचाती है भारत के कोने कोने में कैसित तो धूम मचाती है बोसावली सूरत ना दिखे हम सबको फिर दिखा जाना रस भरे गीत ब्रज के बसिया प्यारे मुख अच्छे लगते थे रस भरे गीत ब्रज के बसिया प्यारे मुख अच्छे लगते थे गाने में कुछ भी ना छोड़ा अब क्या गाएं बतला जाना मंजेश प्रवेश माधव पंकज कमलेश टेर रजनेश रहे मंजेश प्रवेश माधव पंकज कमलेश टेर रजनेश रहे योगेंद्र योगी की गाथा में भूले अंक बता जाना
देखते हैं अजय कैसेट कंपनी एटा के सौजन्य से मैं योगेंद्र योगी गांव पुठिया से परम पूज गुरुदेव स्वर सम्राट ब्रजेश कुमार शास्त्री जी के जीवन परिचय की करुण गाथा में कुछ शब्द कहने के लिए जा रहा हूं। तो सभी भक्त अपने अपने ध्यान को केंद्रित करें और हमारी इस करुण गाथा को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट के द्वारा परम पूज गुरुदेव जी के आचार विचार, उनकी कला कैसी थी, कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं। अरे भारत माता तुम्हें मनाता और जग विख्याता अमित अपारी में गुड़ गाता शीश नवाता सुरसा माता को हर बारी मनसा देवी हम सब सेवी अरे सेवा करें दिना और राती ओ मेरी देवा तुम ही अखेबा नवका मोर भमर में जाते करुण कहानी हम ही गावे और सवई देव सुनो चितलाई स्वर सम्राट की जीवन गाथा अल्प समय में रहे सुनाए भारत बतन प्रांत भारत में और एटा जिला रहे बतलाई ततरई धाम नाम मुलकन में यादव वंश कुशल कहलाए देवी प्राण प्रिया से पावन भई चार संतान अरे सर्वप्रथम की बेटी जानो जो रजनेश की मात नगला धनी पास ये टामे कवि कमलेश रहे बतलाई अरे दूजी भाई संतान मात के जाने जिने सकल संसार धरो पंडित नील छड़ खूब समार संहारी
से कुमारी और अबैया के हाल बतावी मिल श्रोता गड़ करो बिचारी भूमि में ततरई धाम और शिक्षा उच्च प्राप्त करी ननी अपनों करो जगत में नाम जन्म से रनी आई और सामल चेहरा यदु बंसी को जुल्फे रही लपेटा खाई सन 1971 में परम पूज गुरुदेव स्वर सम्राट ब्रजेश कुमार शास्त्री जी का जन्म हुआ और कैसे ही गुरुदेव पपिया जैसी बोली सुर में सारद गई समाई
कछुआ में नरसी भात दाओ बजवाई। परम पूज गुरुदेव ने लोक श्रोमणी बाबा स्वामी आधार चेतन जी को अपना गुरु बना लिया और गुरुदेव ने अपने कदम आगे के लिए बढ़ा दिए। पर प्रीत रहे तुमको समझाई, श्री कथा भागवत करी यथा कैसे भरने की मन में आई। सन 1900 लगी 92 अलीगंज में पहुंचे जाए।
समहे सब्रज समिले पासे सुंदर कैसे तितर साई धूम मचा दिए मोनू राधा माधव के सिट नियत धूम मचा दई है धूम मचा दिए भैया राधा माधव के सटी ध्यान रखना मेरे भाइयों परम पूज गुरुदेव स्वर सम्राट जी इस दुनिया में अपना नाम कर गए सर्वप्रथम रोशन विजय कहानी कैसेट अलीगंज से जो दर्शाई है गुरुदेव को सभी लोग चाहने लगे भैया ये तो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं आखिर के लिए धीरे धीरे परम पूज गुरुदेव स्वर सम्राट जी आगे के लिए बढ़ते चले गए जिन्हें आज सारा हिंदुस्तान जानता है स्वर सम्राट जी के नाम से लेकिन प्रभु की कुछ लीला ऐसी थी ये खुशियां ज्यादा देर तक ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी आरे श्रोता करो विचार यंगारी तुम्हें बताते हैं स्वर संगीत सभी में गुरुवर उठते जाते हैं पपिया तोता में ना सभी पड़े पीके
कोई छोड़ी न बाकी और कहानी कारक सो रंगा चटकोला और साखी गुरुदेव जिस समय सारे देश में धूम मचा देते हैं स्वर सम्राट की पदवी जब सभी क्षेत्रवासियों ने एवं सभी देशवासियों ने दे दी आगे क्या होता है। इधर धीरे धीरे सन 2013 आ गई। क्या हुआ मेरे प्रिय भाइयों, आरे होनी अति बलवान टरे ना हे रे 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 हेरी कभी किसी के धरी धरी ध्यान बिचारे हो ऋषि मुनि सन्यासी रमी गए धरी धरी ध्यान बिचारे आरे होनी अति बलवान टरे ना हे रे 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 हेरी कभी किसी के धरी धरी ध्यान
सुनना मेरे भाइयों, होनी बड़ी ही प्रबल है, इस होनी से कोई नहीं बच पाया। बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए इस दुनिया में, कोई नहीं बच पाया इस होनी से। होनी बड़ी ही बलवान है। अरे होनी के बल भूप हरी चंद, हेरी काशी भर गए पानी। और लेख ला सखा सपेटा की, मरघट रोई रही रानी। देख लो महाराज हरिश्चंद पर भी होनी टूटी। महाराज हरिश्चंद को काशी नगरिया में कालू मेहतर के यहां पानी भरना पड़ा। अरे कर कोट का चुके अब कैसी, रे 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 दिल में आती है मन में नाई गिलानी। हो है कि निथुर मागिर राजा, आरे पति व्रता बिल खाई बहें तो, हेरी पति व्रता बिल खाई बहें तो, और नैनन बीच पन्ना रे और ऋषि मुनि सन्यासी रमी गए धरी धरी ध्यान बिचारे। प्रताप के कई और जब महलन में रूठी, और राम गए वनवासन बजिया दशरथ जी की छूटी। ओ राम गए वनवासन बजिया, होनी से कोई नहीं बच पाया। अरे होनी के बल पुष्कर ही ने, अरे होनी के बल वापस करने रजधानी नल की लूटी। और भुजे तुर उड़ी गए हार निकल गई खूंटी।
सब फिरे पंड सुत रे 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 आरे होनी के बल फिरे पंड सुत और बन में वक्त गुजारे और ऋषि मुनि सन्यासी दमी गए धरि धरि ध्यान विचारे और ऋषि मुनि सन्यासी दमी गए लेकिन मेरे प्रिय भाइयों वो 2013 कैसी आई गुरुदेव के लिए मैं अपनी बाड़ी से नहीं बता सकता हूं। अरे 2013 में होनी रे 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 और ततरई पे मडे स्वर सम्राट के ऊपर भैया काल घटा सी छाई हो स्वर सम्राट ब्रजेश के ऊपर अरे स्वर सम्राट गुरुदेव के ऊपर काल घटा सी छाई जब गुरुदेव की तबीयत खराब हुई ओहो अरे तबीयत बिगड़ी जी भर के लीनो उपचार न पाए लयो शेर को खाई अरे शेर कानपुर पहुंच न पाए लयो शेर को खाई याद रखना मेरे भाइयों ये होनी बड़ी ही प्रबल है इसके चक्कर में सभी आए हैं कोई नहीं बच पाया अरे कहीं कमले सल्लायो गेंदर रे 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 अरे कहीं गुरुदेव लल्लायो गेंदर और सब होनी से हारे अरे ऋषि मुनि सन्यासी रमी गए धरि धरि ध्यान बिचारे ऋषि मुनि सन्यासी रमी गए ध्यान रखना मेरे भाइयों जब स्वर सम्राट जी की तबीयत खराब हुई तो सर्वप्रथम मैनपुरी में इलाज करवाया जब मैनपुरी से भी फायदा नहीं हुआ तो परम पूज गुरुदेव जी का इलाज फिर फरुखाबाद चला उसके बाद सैफई फिर गुरुदेव की कुछ धीरे धीरे तबीयत ठीक हो जाती है उसके बाद में दोबारा से गुरुदेव जी की तबीयत खराब हुई
तो आगरा असोपा हॉस्पिटल में परम पूज गुरुदेव जी का इलाज कराया, और जब इलाज करा रहे थे उसी समय क्या हुआ, धीरे धीरे 2013 फरवरी आ गई। ओहो, गुरुदेव जी की कथा पैसोई गांव में चल रही थी, सोरों के पास में। अरे असगुन भरी असुवल छड़ से 2013 गैया आए, और 6 तारीख फरवरी महीना मंगलवार दिवस बतलाई। कथा छोड़ गए पैसोई में राम जन्म दिनों करवाए, और हालत देखी गुर ब्रजेश की सब ही शिष्य गए घबराई। गांव पैसोई में गुरुदेव की कथा चल रही थी, लेकिन लोगों क्या हुआ, अरे उलटी भाई खून की जैसे गुरुवर जल्दी लाए लिटाए, और गाड़ी चल गई पैसोई से मैनपुरी की सीध लगाई। समय गुरुदेव को खून की उल्टी हुई, सभी शिष्यों ने गुरुदेव को गाड़ी में लिटा लिया और मैनपुरी को लेकर के चल दिए। अरे तेनी दशा देख गुरुवर की सकल घर हुआ गए घबराए, और गाड़ी ले लिए बेटा ने माधव चले महादुखियाई। अरे बाई आंख फड़कने लगी गाड़ी फंसी खेत में जाए, और ट्रैक्टर से गाड़ी खिंचवाई फिर आगे की सीध लगाई। याद रखना मेरे बहन भाइयों, जिस समय गुरुदेव को लेकर के चले हैं मैनपुरी से, ओहो गुरुवे सब बैठी गए गाड़ी पे, मन में ध्यान प्रभु को लाई, और तेजी से गाड़ी दौड़ाई शेर कानपुर पहुंचे जाई। Thank you.
गई रे गुरु पर की हेल्थ हॉस्पिटल के द्वार, और पापा कही कही माधव तेरे, भैया कही गुरवेश कुमार। फटी फटी सी रह गई मुख से सके न बचन उचार, और एक बार जी भर के देखे पत्नी पुत्र और संसारी। प्राण गुरु पर के कढ़ी गए हैं, अजय हिचकी आई एक प्राण गुरु पर के कढ़ी गए। ध्यान रखना मेरे भाइयों, जब परम पूज गुरुदेव जी को कानपुर के लिए लेकर के चले, कानपुर हेल्थ हॉस्पिटल के द्वार पर पहुंच पाए थे, उसी समय स्वर सम्राट जी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। ओहो भैया, जैसे ही ये खबर हुई कि स्वर सम्राट जी अब इस दुनिया में नहीं है, सभी घर परिवार वाले हिस्तू रिश्तेदार सभी शास्त्रीगढ़ रोने लगे, भैया ये क्या हुआ, आज तो हमारा एक चमकता हुआ सितारा हमारे बीच से जुदा हो गया। ओहो, वापस बगदाई मेरे भाइयों, जैसे ही ये खबर बड़े भ्राता मंजेश कुमार जी और प्रवेश कुमार जी को पता हुआ, ओहो भाई की भुजा टूट गई। आज बड़े भैया के दुख में मंजेश भैया प्रवेश भैया बुरी तरीका से रोने लगे,
दत्तात्रेय में बहुत भारी भीड़ लगी हुई है। अरे दत्तात्रेय के दरम्यान लाश पे बिलख रहे नर नारी रे, दुनिया बनाने वाले क्या कर दिया। अरे दत्तात्रेय के दरम्यान दास पे बिलख रहे नर नारी रे, और बिलखे रिश्तेदार और सब बिलख रहे हितकारी रे। आज गुर माता आ गई रेखा देवी, ओहो जिस बाग का माली बाग से चला जाए उस बाग की हालत क्या होगी। मैया रेखा देवी का तो करुड़ क्रंदन इतना था। अरे योगेंद्र प्राण प्रिया रही रोई कंठ क्यों, मेरी सुरत बिसारी रे। और ज्यों तोता बिन मीना पैसी हुई गई दशा हमारी रे। साजन पिया उठ करके देखो, तुम्हें ऐसी नींद आ गई तुमने बिल्कुल नहीं सोचा। तुम्हारे ये बारे बारे छोना किन से पापा कहेंगे, किन को बुलाएंगे। प्राण प्रिया रही रोई कंठ क्यों, मेरी सूरत बिसारी रे। और ज्यों तोता बिन मीना बैसी हुई गई दशा हमारी रे। साजन साजन उठो, देख लो माधव और पंकज कितनी बुरी तरह रो रहे हैं। जब तुम लौट करके वापस आते थे ये दोनों फूल तुम्हारे खिलते हुए नजर आते थे। आज इनकी दशा देख लो साजन। अरे धोखा देखी गए पंथ क्यों, सात भमरिया डारी रे। और बारे बारे मन्य धारमी छोड़ दए ओ तारी रे।
ना भैया तेरी रे, और बिलख रहे अवधे कथा में बात तुम्हारी हेरी रे। भैया आज मंजेश और प्रवेश पछारे खाने लगे। भैया हमें नहीं पता था, हे प्रभु हमें नहीं पता था हमारे भैया इतनी जल्दी हमसे दूर हो जाएंगे। अरे प्रवेश और मंजे सनी नवरी भैया भैया तेरी रे, और बिलख रहे अवधे कथा में बात तुम्हारी हेरी रे। आज बहन आ गई सरोज देवी, बड़े भैया ओहो भैया तुम दुनिया से चले गए, ये तुम्हारी बहन अब किन के रागी बांधेगी। भैया छाती पीटी बहन रोवती है, सावन महीना आई है रे, और बहना बहना कई हाथन में राखी कौन बधाई है रे। भैया छोड़ गयो संसार, सुख की नींद सोए अरथी पे, बिलखे सभी कुटुंब परिवार रिश्तेदार मित्र सवर रोवे। आज सभी शास्त्रीगण रोने लगे, गुरुदेव हमारी तो दुनिया सुनी हो गई, निकट रग खोली ले उनिहारी, सब शास्त्रीगण रोवत ठाड़े। रेखा देवी अखात पछार बारे कुमर बिलख रहे त्यारे, बिलख तई रजनेश कुमार, मामा हमें तनिक समझियो। मामा देख लो तुम्हारे भांजे रजनेश बिल बुला रहे हैं, तुम्हें ऐसी नींद आ गई उठ करके देखो। अरे बिलख तई रजनेश कुमारी, मामा तनिक हमी समझियो। नवका डूब गई मजधार प्यारे
सुनो जग लागे। की बोली अरे नर बरिया आज स्वर सम्राट सुरजन चेतन जी बाबा स्वामी आधार चेतन जी की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। अरे हमारे शेर आज तू हमसे क्यों जुदा हो गया। सुरजनी और आधारी उठ के बोली अरे नर बरिया निक बाजा पे बोल हुंकार शब्द सुरीले तनिक सुनाए दे। तूने ततरई धाम करके नाम सकल दुनिया में सोई गौ कैसे पाई पसारी भैया त्यारे बिलखट ठाड़े कवि कमलेश कुमार शिष्य नरेश संग में बिलखे। का होई अब यो केंद्र कुमारी गुर पर रम गए हीरे दुनिया से मेरे महाराज राधे श्याम सीता राम रे अब ततरई सुनी है। ध्यान रखना मेरे भाइयों बड़े भ्राता मंजेश कुमार और प्रवेश कुमार जी की तो हालत खराब हो गई। माधव पंकज पापा पापा कहकर के बुरी तरह से रो रहे हैं लाश पर। ध्यान रखना मेरे भाइयों आज इस तरह से परम पूज गुरुदेव जी की लाश पर सभी करुण क्रंदन कर रहे हैं। आरे सुत परिवार सहित सब मिलके अंतिम डोली लय सजाए और तिल धत घड़ा पुष्प और आटा लीने पिंड हेतु मंगवाई। धूपति पन्ने वेद सजाई के पुष्पन माला दई चढ़ाए और भाई बंधु उठाई के डोली मरघट योरी चले सिधाई। चोंच रह जाए और लाश पहुंच गई है धूरे पे लकड़ी कंडा धरे लगाई।
चिता में जाए और धूप दीपन वेद लगाई के तो मंजे सन दाग लगाई चले गए ऐसी योगी ने समझाई इस तरह से स्वर सम्राट की इस दुनिया से जुदा हो गए। भैया हर को करियो भजन हिया दो दिन का ही मेला है। सत्य वीर हर को करियो भजन हिया दो दिन का मेला है।